आजो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कोरियन ग्लास स्किन के लिए क्रीम। इसको लगाइए और कोरे हो जाइए। मस्कारा, पुशन पुशन पुई। ओ अरमान, नहीं 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 नहीं, अरमान ने गेट बंद कर देना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। बाहर हो रही है जोरों की बारिश, बच्चों ने जाना स्कूल, अरमान ने भी। मैं वेट कर रही थी कि बारिश रुक जाए तो छोड़ने जाऊं। अरमान बग्गी में बैठ कर जाता है ना तो भीग जाएंगे, डर लग रहा। आजो अरमान, अंदर आजो 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 आज 5 मिनट वेट करते हैं। अभी बंद कर दो। अभी 8:10 हुए हैं, 11, और अरमान को 8:30 तक छोड़ना बस। ना ना ना, चलो चलो इधर आजो। अब नहीं खुले, बस बंद हो गया। जो अभी आपको क्या हो गया भाई, उधर देखना गोरा भाग रहा है बारिश में बेचारा। ओके, थैंक यू वेल, थैंक यू। हाँ बंद कर दूं? चलो चलो हेल्प। हाँ हेल्प करूं? आज ताला लगा दिया। अली जबलिन भी रेडी होकर बैठी है। आज एलिजा के एग्जाम्स है। कपड़े देखना, मैंने यहाँ रखे थे कंबल पर, मैंने कहा सूख जाएंगे बाहर से लाकर। अभी मैं आकर इनको लपेटती हूँ और सफाई करती हूँ। बारिश तेज ही होती जा रही है। हो, वेट करो बेटा, वेट करो, चलते हैं। थोड़ी सी रुक जाए तो फिर चलते हैं। ब्रेकफास्ट बन गया, सब्जी है, दही है, ब्रेड है एक। और साहब कहते मैंने ब्रेड नहीं खाना, मैं एग ही खाऊंगा। उनके लिए मैंने एग बना दिए। ये है हमारी एग ऑमलेट, उसमें मैंने डाले मसाले। खा कर जाऊंगी दुकान पर। आज लेना अरमान का थोड़ा सा सामान। मेरे को लगता था कि अरमान में ना आयरन की कमी है, फिर हमने ब्लड चेक करवाया तो आयरन थोड़ा सा कम आया, पर डॉक्टर ने कुछ नहीं दिया, कहते आप ऐसे ही कुछ दे दो दुकान से लेकर। तो मैंने दुकान से ली है एक शीशी, वो पी ली अरमान ने, फर्क पड़ गया अरमान को। वो जाकर लेती हूँ और थोड़ा सा सामान और लेना, फिर अरमान आ जाएगा 12 बजे। पहले हम लोग खाते हैं और फिर जाएंगे दुकान पर। बारिश अब रुक गई, सुबह बहुत तेज बारिश थी, मुश्किल से स्कूल पहुँचाया अरमान को। अब फिर से बादल हो गए, धूप आने का नाम निशान ही नहीं है, क्या करें। हवा से सारे फूल गिर गए अंधेरी आने की वजह से ना, यहाँ पर सड़कें भर गई हैं। चलते हैं दुकान पर, लेते हैं दवाई अरमान की। मैं आ गई दुकान पर और अब यहाँ पर बर्थडे का भी उन्होंने रख दिया, पहले नहीं था। मैं जाकर देखती हूँ क्या लेती हूँ। अगर बच्चा नहीं होता ना तो अरमान, तो मैं आराम से ले सकती हूँ। एक के साथ एक फ्री है, देखिए लोरियल की कोटिंग लगी है और लेस है ना, एक एक के साथ एक फ्री। ये नया मस्कारा आया है, कहते बहुत अच्छा है, देखते हैं। ये नई नई आई शेडो पैलेट्स हैं, कितनी प्यारी है ना। पहले मैं वो लेती हूँ जो मैंने लेना है, फिर टाइम हो जाएगा ना। अरमान के लिए ना मैंने सोप लेनी है जिसमें कुछ परफ्यूम ना हो, उसके ना हो जाती है ना खारिश। शैम्पू 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 यही ले लेते हैं, यही ठीक है उसके लिए। तेल तो मेरे पास है, शैम्पू की ज़रूरत नहीं। अरमान दूसरा लगा ले। मैं आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ, ये है आइजर के लिए। मैं भी लिए, मैंने भी लिए अपने लिए और अरमान के लिए भी लिए शीशी। और मेरे को ना ये कौलियाँ दिख गई, मैंने कहा बच्चा जब कुछ खाता है दूसरी गिरा देता है ना चीनी वाली, तो फिर मैंने ये लिए। ये प्लास्टिक की हैं, 4 कौलियाँ। मैंने कहा बच्चे खाते चिप्स वगैरह, और एक मैंने गिलास लिए। कहा मेरे को मना करते हैं प्लास्टिक नहीं लेनी, पर मैंने ले ली। मैंने कहा कभी बच्चा पानी मांगता दे सकते हैं ना, सुंदर लगी। पहले मैंने फेंक दिए थे, आज फिर से ले लिया है। बस और कुछ नहीं, ये टिश्यू यहाँ पर लगाने के लिए। और वीकेंड आ गया, फ्राइडे है, बच्चों के लिए चिप्स ली मैंने।
कुकी लिए क्योंकि फ्राइडे को ही उनको मिलते हैं ना, वैसे वीक में मैं नहीं देती। और ये थोड़ी सी कैंडीज इसमें मैंने डाल दी, ये लिया, बस यही मेरा सामान था। अभी मैं संभालती हूँ, बच्चे आ जाएंगे, ये छुपा के रखूँगी, रात को मिलेगा उनको खाना खाने के बाद जब टीवी देखते हैं। यहाँ की जो कैंडीज है मेरे को बहुत टेस्टी लगती है, इतनी दिल करता ना। अब हम तो नहीं खा सकते एक से ज्यादा, तो मैं उसको संभालती। अवलीन को पता चल जाता ना फिर अवलीन नहीं छोड़ती। चलो दवाई आ गई, मेरे को ये था अरमान के आने से पहले ले आऊं, 12 बज के अरमान अब आते। मैं बनाती हूँ थोड़ा सा गर्म करती हूँ सब्जी। अलीजा अवलीन के टूना सैलड बनाया और कुछ वेजीज है, उनको मैं देती हूँ लंच आने वाले हैं। क्यों नहीं सब्जी अच्छी लगती? खीरा खा सकती, वो भी खा लेना, पहले सब्जी भी खाओ। मैंने डाली है ना आपके लिए, इनको इतने अच्छे लगे गिलास ना। थोड़ा सा धो लो बेटा, साफ कर लो, मैं अरमान के लिए बना लूं। खीरा भी खा लेना बेटा। मैंने यहाँ सारा दूध गर्म किया, कल हम लेकर आए थे, दही जमा दी है और ये दूध गर्म करके रख दिया। ये ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसकी मलाई उतारेंगे। ये मासी ने दिया अरमान के लिए, उसका आप भी ले सकते हो बेटा, मैं तो मजाक करती हूँ। हाँ खा लो बेटा, मैं अरमान का तैयारी करूँ। क्यों सब्जी भी खानी है बेटा, बहुत टेस्टी है, उसमें मैंने वो डाली है कॉर्न मीठे वाली। खा लो खा लो, इस जिद मत करो। मैं और पापा तो रोज खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते बेटा? गीली होगी, कोई नहीं सूख जाएगी। अलीजा अवली स्कूल चली गई, तरमान कहता मैंने भी जाना है। हाँ बेटा वो स्कूल गई है, स्कूल गई है बेटा। ये प्लांट सुबह से गिर रहा है, बहुत तेज हवा आ रही, तो हम इसको लगा दे। हाँ हाँ मैं पहनाती हूँ बेटा, पहन लो आप, शूज पहनो, पहन लो शूज पहनो, जाना नहीं बाहर, बाहर नहीं जाना। मैं एक हाथ से पहनाती हूँ बेटा, बाहर ठंड है ना, तो आप अरमान तंग मत करो मेरे को। ये पुराना था, खराब हो गया। हाँ वो कहती है अगर सूख गया ना तो फिर कोई काम का नहीं है, हमने पूछा था कल उनसे, तो इसलिए फिर सेम ले लिया। ये साहब को बहुत पसंद आया था पिछले साल, कहते वो ही लेना, मैंने कहा चलो वो ले लो। ये रख लिए, की करना क्लैम बच्चे की। मैंने कहा था ना नीचे जाएगा, माने नहीं। अब हम ऐसे कर देते साइडों में मिट्टी करके दबाते हैं इसको, मिट्टी और आएगी, कल खोलेंगे, आज बारिश है ना। हाँ हाँ आ जाओ बेटा, मम्मा प्लांट्स लगाने लगी है, नीचे चला जाएगा ये। स्पोर्ट तो चाहिए इसको ना। इसमें वो लगी है सब्जी। हो अरमान, नहीं 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 नहीं, अरमान ने गेट बंद कर देना था, हम लोग बाहर रह जाते। ना ना मैं अंदर जा रही हूँ भाई, बंद करता है, चाबी नहीं हमारे पास, अंधेरी बहुत आ रही है। अरमान का रोना बंद नहीं होता, साइकिल छोड़ आया। समर आ रही है तो मैंने कहा स्किन थोड़ी डल हो जाती है ना, तो उसके लिए कुछ बनाएं। कोरियन ग्लास स्किन के लिए क्रीम जिसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उनका सीक्रेट क्या है, जिससे वो बहुत गोरे लगते हैं ना। मैंने कहा मैं भी बन जाऊं गोरी, है ना, तो आज हम ट्राई करते हैं। देखिए क्रीम को बनाने के लिए मैंने क्या लिया। मैंने लिए राइस 4 टेबल स्पून और 1.5 गिलास पानी में, इनको सारी रात भिगो कर रखा है। उसमें जाएगा कोकोनट ऑयल, जो आपके पास है वो आप डाल सकते हो, दूध जो हर किसके घर में होता है, और ओलिव ऑयल जैसा आपके पास है वो डाल। अगर आपके पास ये नहीं तो आप आलमंड वाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, है ना। ये नेचुरल चीज है तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, तो अभी हम इसको बनाते हैं। देखिए मैंने चावलों को छान लिया और अभी हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दूध। हम ये मैंने ना ये मैंने मिड साइज लिया, हमारे यहाँ पे और बड़े होते हैं टेबल स्पून, तो देखिए अभी हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दूध और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले दूध को मिक्स करते हैं अच्छे से।
एक दो मिनट लगाकर अच्छे से मिक्स करना है ना। अभी हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करें। ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो मोरक्को के लोग होते हैं ना, साहब मेरे को हमेशा बोलते कहते वो ना ऑलिव ऑयल खाते हैं, स्किन पर लगाते हैं, इसलिए उनकी स्किन इतनी साफ और अच्छी रहती है। और बालों में भी लगाते हैं, उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। और अभी हम डाल देंगे, अभी हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया डालकर, मैंने कहा उसमें मिक्स ना हो, फिर एक बड़ा चम्मच भर कर तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, देखिए मैं आपको हाथ पर लगा कर वैसी क्रीम बनी है जैसे दुकान में नहीं मिलती। ये बन गया हमारे फेस मास्क क्रीम। अभी हम इसको अच्छी सी डिब्बी में डाल के रखेंगे। मैंने ये डिब्बी रखी, मैंने कहा इसमें रखूंगी मैं। अभी हम इसमें डाल देते हैं क्रीम को। बहुत ज्यादा बन गई है। हम इसको कर देते हैं बंद। क्रीम हो गई रेडी। अगर उसका लाइव रिजल्ट देखना तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। इधर चल रहा है, इधर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्रीम के। थोड़ा मसलो, स्किन फट जाएगी। देखना क्या हाल कर, मैं जब लगाऊंगी लगाऊंगी, इन्होंने लगा के काम कर दिया। ओहो हो, कैसी है, अच्छी बनी है। बस करो फेशियल हो गया। कैसे लगी क्रीम? ठीक है। लाइव रिजल्ट साहब ने दिखा दिया, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो भाई, इनको बहुत शौक है ऐसी चीजें लगाने का। बड़ी तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है। चल वधिया होया। कुछ तो बनाया है ना? हाँ। लो भाई गोरे हो गए, है ना? बहुत फर्क पड़ा। इस क्रीम के 2 फायदे हैं फेस मास्क के। आप इसको आपको रात को लगाना है, लगाकर 40 मिनट रखना है, उसके बाद मसल कर चेहरा धोना जैसे साहब ने धोया। इन्होंने तो अभी लगाया, मैं रात को लगाऊंगी। कहते इस क्रीम को हम 6-7 दिन ऐसे रख सकते हैं, फ्रिज में रखनी है नहीं तो खराब हो जाएगी। और जो बच गया एक चीज और, अगर आपके बाल थोड़े डल हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं ना, तो आप बालों पर भी लगा सकते हो। 1/2 घंटा लगा के बाद में बाल वॉश कर सकते हो। तो मैं रात को बालों पर भी लगाऊंगी, चेहरे पर भी आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगी। गर्मियों में डल हो जाती है ना स्किन, तो उसके लिए मैंने कहा कुछ बना के रखते हैं। अगर मैं रोज बनानी पड़े ना, तो फिर बहुत थक जाता है ना कि रोज हल्दी मिलाओ, बेसन मिलाओ। तो इसको 5-6 दिन रख सकते हैं। अलीजा को भी मैं दूंगी, वो बच्चे भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और इतनी सी मेरी बच गई है, बच गई, इसको मैं बालों पर लगाऊंगी। नहीं बस करो, अब बहुत हो गया। तो मैं इसको संभाल के फ्रिज में रखती हूँ और हम लोग लगाएंगे। साफ बालों पर भी लगा सकते, काफी बन गई। स्पा हो गया आज अरमान, देखना। अवलीजा अवलीन का बैग लेकर बैठा, अभी बाहर गया था। हाँ खेल रहे हो? किसका बैग है ये? अवलीन दीदी का बैग है ना अरमान के पास। अरमान ने शूज कहाँ उतारे हैं, जूते? बाहर बहुत ठंड है बेटा, एक बार तो जाया है अरमान बाहर, कहता सारा दिन बाहर ही रहना, पर मौसम बहुत खराब है। मैंने कहा फ्रूट्स काट दूं, फ्रूट पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। कितने फ्रूट पड़े हैं अभी तो फ्रिज में, इतने पड़े अरमान। अभी नई कॉली में फ्रूट खाएगा अरमान, है ना? कौन सा खाएगा अरमान? बनाना खाएगा। अब वो कैडो भी पड़ा है, मैं इसको काट दूं, अगर खाएगा तो कॉली में डाल कर दे देते अरमान के ना। अरमान लेकर
क्रैकर नहीं खाना, लेकर खाना बेटा। अरमान देखना देखता कैसे, मम्मा क्या करती। एप्पल एप्पल काट दो, स्कूल में ऐसे खाते पीछे मत गिर जाना, ऐसे काम मत करो। गुस्से हो गया अरमान, अरमान गिर मत जाना, अरमान गिर मत जाना। आप अपना फ्रूट ले लो, कोली ले लो, और क्या लेना है, ये भी लेना, नाशपत्ती भी। अरमान आपके हाथ में दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी, ले लो। हेल्प तो मैं कर रही हूँ आपकी, आपको भर कर कोली फ्रूट की दूंगी। थैंक यू वेल मम्मा, थैंक यू। ये आपकी कोली, बैठ जाओ टीवी देख लो, और एक फोर्क ले लो। बनाना ले लो, और क्या खाना है। इसने नहीं खाना कॉली में, इसने ऐसे ही काट के खाना, जैसे बड़े लोग खाते हैं ना। मम्मा पापा, चलो पापा को दे देंगे आपकी कॉली, अवलीन को दे देंगे फिर मैं, ठीक है। तीन बच गए हैं, अवलीन आपकी होगी, ये खानी है। मत काटो, बीच में बाल भी काट रहे उसके। गाइस देखो मैंने क्या बनाया है। बंदा पर मैं फोड़ दिया स्कूल पर, अभी पेपर मशीन है, इस पे प्लास्टर चढ़ाते हैं। अच्छा प्लास्टर लगाया है। हाँ फिर वो बांग लाइन के साथ हमने किया। अपने कमरे में बैठा तोड़, दिखा ना मेरे को, डॉक्टर नहीं लगाता ये प्लास्टर, वही है। अच्छा आयो मेरे मुंह जितना बड़ा है, और मां को ये तोड़ देगा बेटा, दीदी ने मेहनत की है। जाओ वापस रख के आओ। हम एक मीना लगाया है, एक मीना लगाया, एक मीना लगाया, संभाल के रखो इसको अरमान। मैंने अभी मेकअप उतारा और मेरा चेहरा धोया साफ किया, तो अभी हम लगाएंगे क्रीम जो मैंने बनाई थी राइस वाली, इसको लेकर हाथों पर अच्छे से मसाज करते। अलीजा कहती थी मैंने भी लगानी है, ऐसे लेकर अच्छे से 2-3 मिनट मसाज करेंगे, फिर इसको ना 40 मिनट रखना है। मास्क नहीं है वो, ऐसे मास्क लगा के रखना 40 मिनट, 40 मिनट के बाद चेहरा धोना है, डेली ऐसे करना है। अलीजा आ जा बेटा, मैं इधर जाकर देखती हूँ। आप भी लगा लो अवलीन, मास्क लगा लो। थोड़ा सा मैंने पानी लगाया क्योंकि मैं अच्छे से मसाज करूं। नहीं नहीं देखिए, आ जाओ अलीजा। मैंने तो अपने लगा लिया, अभी अलीजा की बारी, आ जाओ। ये डरती है ना, कहती मम्मा आप ही लगाओ। डरो मत, इधर मेरे पास आओ, दूर मत जाओ बेटा। अच्छे से मसाज करो, आप अपने आप भी कर सकते हो। अभी माथे पर लगाएंगे और थोड़ा सा गालों पर, इधर आकर दिखाओ, तो ये बच्चे भी लगा सकते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर अलीजा के भी मसाज करती हूँ, आप रोज लगाया करो बेटा, 1 वीक हमने रोज लगाना है। आपने देखा ना कोरियन स्किन कितनी वो करती है, चमकती है, देखा ना आपने। मम्मा ने बनाई क्रीम, पापा ने भी लगा ली। अच्छे से मसाज करो, अच्छे से मसाज कर दे। मैं थोड़ी ज्यादा लगाई, कोई बात नहीं, अभी वेट करो ठीक है, 40 मिनट वेट करना कम से कम। बैठ जाओ जाकर 40 मिनट के बाद। तुम्हें खुदा आया क्या काम देता है। मेरे सूख गया बेटा, कितना ही लगा था, अंदर चला गया स्किन के।
अभी हम बैठ कर वेट करते हैं। मेरे भी लगा लीजा, कैसे लग रहा देखिए कि नहीं लगा, सब लगा है। देखिए सूख गया बिल्कुल, बोल भी नहीं सकते हम तो। अभी दोनों बेटी धोएंगे मिलकर, पहले गिल्ला करके मसाज करो। मसला लीजा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, देखो मसल से कोई चीज भी सूखेगी, कोई फेस मास्क भी सूखेगा, ऐसा करेगा बेटा। अच्छे से चेहरा दो, नहीं ये नहीं लगाना इसके ऊपर, इसी से साफ करो बेटा, इसलिए आज पहली बार लगाया है मैं। मसलो मसलो नहीं बेटा, ऐसे मसाज देखना लीजा कमाल। मम्मा भी धो दे, आप धो लो मम्मा, देखो जा रहे बेटा ऐसे कर रहे हो आप तो, बिल्कुल उतर गया, देखो कितनी सॉफ्ट हो गई स्किन, ऐसे कर रहे थे ऐसे क्यों बोलो, दिखाओ कितना अच्छा हो गया स्किन, हाय कितनी सुंदर हो गया लीजा, कितनी वाइटनेस आती है देख के इस पर, उतारने में थोड़ी सी मुश्किल होती है पर ठीक है क्रीम है। ऐसे करो ऐसे धोने, इससे आप धोते हैं ना गंदे के बच्चे भी ना, देखो कितना आराम से मम्मा ने लगाया और कितने आराम से धोती है, कुछ नहीं आप थोड़ा सा वो ज्यादा करते हो बेटा, अच्छे से धो लो, इससे धो लो, धोने वाले हैंकी नहीं होता उससे धो चेहरा अच्छे से, देखिए मेरा चेहरा तो साफ हो गया बिल्कुल, कितना साफ लग रहा है ना, पहले कैसे था देखिए कितना वाइट वाइट लग रहा है। बस धो लिया, आप भी ऐसे बनाकर लगा सकते, थोड़ी सी खिंचता तो है, कोई भी फेस पैक लगाते हैं ऐसे तो होता ही जब हार्ड होता है। एलिजा ने पहली बार लगवाया ना, कितनी अच्छी होगी स्किन, देखो कितनी ग्लो कर रही बेटा, देखो मम्मा की स्किन ग्लो करने लगी है। खाना खाने के बाद बच्चे चले गए गेम खेलने, थोड़ी देर खेलेंगे, आज फ्राइडे है, मैं भी हो गई हूँ फ्री और अभी काम सारा मैंने ख़त्म कर दिया, अभी मैं बैठकर करती हूँ रेस्ट, देखती हूँ थोड़े से सीरियल अपने जो मैं देखती हूँ, टीवी देखूंगी, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, अरमान बाय। I love my life. Bye.